नमस्ते, मैं सुरेंद्र अग्रवाल, SRL डायग्नोस्टिक एवं श्री नारायणी डायग्नोस्टिक फ्रेंचाइजी ऑनर की तरफ से देशवासियों एवं देहरादून नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं राधा अग्रवाल, अपने पूरे SRL श्री नारायणी डायग्नोस्टिक परिवार की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी एवं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आपका जीवन मंगलमय रहे। धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन पर उठे सवाल तो रूसी एक्सपर्ट्स बोले अंगूर खट्टे हैं। रूसी वैक्सीन से अमेरिका क्यों है परेशान? दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी काफी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर सफलता मिलने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका को रूस के दावे पर शक है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ और प्रेसिडेंट ट्रंप के सलाहकार एंथनी फाउची ने कहा कि उन्हें इस बात का शक है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर काम करेगी। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर पैनल डिस्कशन के दौरान एंथनी फाउची ने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना अलग बात है। रूस के वैक्सीन पर दुनिया के कई देश शक कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस से वैक्सीन के बारे में कई जानकारी मांगी है। विश्व संस्था ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। WHO ने साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर करने से पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा है। भारत में ये कंपनियां तैयार कर रही हैं वैक्सीन। भारत में फिलहाल दो कंपनियों की वैक्सीनों को लेकर चर्चा बनी हुई है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रही है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की संभावित वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी दांव खेला है। इन सभी वैक्सीनों के साथ रूस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक 5 पर आज चर्चा होगी। एक्सपर्ट पैनल की बैठक में वैक्सीन के उत्पादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से चीन ने कोरोना का टीका बनाया है और उसे बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के डॉक्टर चेन वेई के इस टीके को लेकर खूब तारीफ भी हो रही है। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इसके उत्पादन के लिए 20 से अधिक देशों ने आवेदन किया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के चीफ किरिल दिमित्रेव के मुताबिक लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देशों ने वैक्सीन की डिमांड की है। दावा ये भी है कि इनमें से कुछ के साथ रूस की डील भी फाइनल हो गई है। इस वैक्सीन को लेकर तीसरे चरण का ट्रायल UAE और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में किया जाएगा। RDIF ने इसके लिए sputnikvaccine.com नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट में वैक्सीन की जानकारी के अलावा इससे जुड़े सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही इस वेबसाइट पर सवाल जवाब का भी एक सेक्शन बना हुआ है। ट्रंप ने वैक्सीन के लिए की इस कंपनी से डील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी से कोरोना वैक्सीन की डील का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित किए जाने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना देश में 10 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगी। वहीं मॉडर्ना के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने इस वैक्सीन के लिए कंपनी को $1.5 बिलियन का भी भुगतान किया है। मॉडर्ना फिलहाल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। ये ट्रायल 27 जुलाई को शुरू हुआ था। मार्केट में कब आएगी रूसी वैक्सीन? AP की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन अभी भी आम तौर पर लोगों के लिए उपलब्ध होने से काफी दूर है, खासकर रूस के बाहर के लोगों के लिए। रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने सितंबर में गम कोव वैकलियो वैक्सीन के औद्योगिक उत्पादन शुरू करने का वादा किया है। हालांकि स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की वेबसाइट के मुताबिक वैक्सीन 1 जनवरी 2021 से उपलब्ध हो जाएगी। नेशन वन से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट।
नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।